सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही यम्मी और टेस्टी रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। इसका नाम है चिकन पोटैटो गोल्ड कॉइंस की रेसिपी। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि पोटैटो चिकन गोल्ड कॉइंस किस तरह रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 500 ग्राम्स जो है वो आलू बॉइल करके मैश कर लिए हैं, 500 ग्राम्स जो है वो मैंने चिकन बॉईल कर लिया है, हल्का सा नमक डालकर उसको शेडर कर लिया है। इसके बाद हमने एक कटोरी प्याज ली है, आप इसको ऑप्शनल काम ज्यादा कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। 4 से 5 अदद मैंने ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। इसके बाद कटी हुई सब्ज मिर्च जो है मैंने 4 से 5 ले ली है। पीसा हुआ सूखा धनिया पाउडर मैंने 1 चम्मच लिया है। गर्म मसाला 1/2 चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। चलिए अब हम क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, अब सबसे पहले मैंने ये पोटैटोस ले लिए, उबले हुए आलू और इसके साथ ये शेडर किया हुआ हम चिकन अपना ऐड करेंगे। यह अब हमने सारा चिकन इसमें शामिल कर लिया है। सूखा धनिया पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्चें सारी इसमें हम शामिल कर देंगे। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब ये सारी जो मिक्सर है हमारा वो रेडी हो चुका है, हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर गया है। और अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल करूंगी। आप प्याज को चॉप भी कर सकते हैं जैसे हम अंडा बनाने के लिए बनाते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऐसे शामिल किए हैं। चलें जी, अब हमारा मिक्सर अच्छे से रेडी हो चुका है, अब हम चलते हैं फिलिंग की जगह। चलिए व्यूअर्स, अब चिकन पोटैटो गोल्ड कॉइंस के लिए हम स्लरी रेडी कर लेते हैं। स्लरी के लिए क्या करना है, मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो मैदा लिया है और इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा जो है पानी शामिल करना है और इसको एक पतला सा मिक्सचर बना लेना है। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई बबल्स ना बने और बिल्कुल ये यकजा हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, अब हमारी जो स्लरी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है, ये कुछ इस तरह से आपके पास बेटर आएगा। चलिए अब हम अपने ब्रेड के ऊपर तमाम जो है वो मिक्सर लगाते हैं और इसको रेडी करते हैं, इसको करते हैं साइड पर। चलिए व्यूअर्स, अब हम साथ ही अपनी ब्रेड को रेडी करेंगे। ब्रेड को रेडी करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आपने क्या करना है। इस तरह से ब्रेड के स्लाइसेस ले लेने हैं, उसको इस तरह रखें और कोई भी ग्लास या कटर के साथ, चूंकि अब हमारे तमाम व्यूअर्स जो हैं उनके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती अक्सर का, तो मैं रूटीन की चीज़ें बताती हूँ जिससे उनको आसानी हो। तो इसके लिए मैंने ये ग्लास लिया, ग्लास के साथ आपने इसको रख कर बिल्कुल गोल जो है इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हमारे पास इस तरह राउंड फॉर्म में एक डिस्क जो है वो रेडी हो जाएगी। अब सेम इसी तरीके से मैं पूरी ब्रेड को जो है कट के रेडी कर लूंगी। अच्छा, ये जो अभी हमारे ब्राउन बच रहे हैं ब्रेड के साथ के एक्स्ट्रा पीसेस, इसको हमने वेस्ट नहीं करना, हम इसको ओवन में ड्राई करेंगे, ड्राई करके इसको आप ब्रेड क्रम बनाकर स्टोर कर सकते हैं। ये देखें, इसी तरह से अब मैं सारी जो डिस्क हैं वो अपनी बनाकर रेडी कर लूंगी। ये देखें जी, हमारी जो डिस्क हैं वो रेडी हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपनी फिलिंग को फिल करेंगे, इसके ऊपर रखते जाऊंगी साथ साथ। ये हमारे पास मिक्सचर है और ये हमारे पास डिस्क हैं। करना क्या है, सबसे पहले आपने गोल्ड टिक्की लेकर
इसके ऊपर अच्छे से एडजस्ट कर लेनी है। इस तरह से यह हमने टिक्की बना ली इसके नीचे। इसको हम करते हैं साइड पे। मैं बेकिंग ट्रे जो है उसके ऊपर इसको रखती हूँ। ये जो हमने अभी स्लरी बनाई है इसको ब्रश की मदद से इसके ऊपर अच्छे से हम लगाएंगे। इस तरह आपने इसके ऊपर अच्छे से स्लरी लगा लेनी है और इसके ज्वाइंट जो है बंद कर देने। अब इसी तरीके से मैं सारी डिस्क बनाती जाऊंगी और अपनी डिश में रखती जाऊंगी। ये देखें, इस तरह आपने टिक्की बना लेनी है और हाथ से इसको सेट करना है उसके बाद इस डिश के ऊपर। इस तरह इसके ऊपर लगा लिया और फिर ये हम जो मिक्सचर है दोबारा इसके ऊपर लगाएंगे अच्छे तरीके से। चलिए, अब हमारे ये भी जो चिकन पोटैटो गोल्ड कॉइन्स है वो रेडी हो गया। इसी तरीके से मैं अब सारी डिश को रेडी कर लूंगी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इनको रेडी कर लिया है। अब मैं इनको डीप फ्राई करूंगी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लिया है। आपने इसको बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना, लो टू मीडियम आपने हीट पर इसको पकाना है। और आप जैसा कि हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है तो मैं अपनी पोटैटो चिकन गोल्ड पॉइंट को फ्राई कर लूंगी। ये आपने ब्रेड वाला जो साइड है उसको घी के अंदर डालना है जरा एहतियात के साथ। अब जब तक इसका गोल्डन कलर नहीं होगा तब तक हम इसकी साइड चेंज नहीं करेंगे। ये कलर आने पे आपने इसको अच्छे से बस अब हमने इसको हल्का सा कलर देना है और फौरन हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें, इस तरह का कलर होगा तो हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारे चिकन पोटैटो गोल्ड रिंग्स पककर तैयार हो चुके हैं। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें और इस रेसिपी को घर पे ट्राई करें। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।